हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले की एक मोटिवेशनल टाइप की जो वीडियो बनाई गई थी, उसके बाद आप में से ही बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर कुछ और एक्स्ट्रा मोटिवेशनल वीडियो बनाएं, जिसमें हम लोग अपनी कुछ समस्याओं को शेयर कर सकें। वो समस्याएं आपने हमसे बताई थी कि सर हमारी पढ़ाई नहीं होती, पढ़ने बैठने पे हैं लेकिन मन नहीं लगता, घर में काम इतना आ जाता है कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, समय नहीं निकाल पाते। आज का टॉपिक कुछ इसी से रिलेटेड है, तो कुछ मोटिवेशन की ओर चलें। उससे पहले कि हम कुछ ऐसी चीजें जान लें जिसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, जब तक आप लाइफ में कोई गोल डिसाइड नहीं करते, कोई टारगेट नहीं डिसाइड करते कि हमें इस मंजिल तक पहुंचना है, तब तक आप चलना स्टार्ट ही नहीं करते। इसका मतलब क्या है, वर्ड्स को बारीकी से समझिएगा। मैंने कहा जब तक आप टारगेट डिसाइड नहीं करते, तब तक आप चलना स्टार्ट नहीं करते। आपने अभी तक मन में अपने सोच के ही नहीं रखा कि मुझे कुछ आगे अचीव करना है, यही आपकी सबसे बड़ी फॉल्ट है। जब तक आप ये क्लियरली डिसाइड नहीं रखेंगे, जब तक आप अपना क्लियर गोल नहीं रखेंगे, तब तक हमेशा ही आपको ये समस्या आएगी कि जब भी आप पढ़ने बैठेंगे हमेशा कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी, पढ़ते पढ़ते कॉन्सेंट्रेशन टूटेगा, हमेशा घर के काम पहले दिखेंगे, ये चीज़ें आएंगी। मैं नहीं कहता कि घर के काम ना करिए या कोई और कामों पे ध्यान ना दीजिए, लेकिन वो भी आदमी सफल होता है जो कि घर के सारे कामों को करने के बाद भी उसने अपने लिए अलग से समय को निकाल पाता है। तो कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। जैसे सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपने अपनी लाइफ में आज तक क्या गोल सोच रखा है। आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि मुझे जेई बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मैंने इंजीनियर की पढ़ाई करी है तो इंजीनियर बन जाऊं, बस मेरा इतना सा गोल है। क्या इतने में गोल कंप्लीट? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंजीनियर बन गए, आपने सब अचीव कर लिया। सबसे पहले इंजीनियर बनने के लिए क्या प्रोसेस है, किस रास्ते चलना है, हमको कैसे चलना है, इन चीजों के बारे में बहुत जानना जरूरी है। आप में से आधे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक अपने 5 सक्सेसिव गोल नहीं डिसाइड किए होंगे। सक्सेसिव गोल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आज मैंने चलना स्टार्ट किया, आज से मैंने चलना स्टार्ट किया और चलते चलते मुझे इस स्टेप तक पहुंचना है, हाईएस्ट गोल। लास्ट गोल तक पहुंचने के लिए मुझे जरूरी सी बात है किसी स्टेप से होकर के गुजरना होगा। अगर मैं इन स्टेप्स को ऐसा ना बना करके कुछ ऐसा बना दूं तो आपके लिए चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं इन स्टेप्स को ऐसा ना बना करके ऐसा बना दूं तो आपके लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे स्टेप्स बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि आप कुछ गोल्स बनाइए, जिन्हें हम कहते हैं सक्सेसिव गोल। इस गोल को अचीव करने से पहले इनके स्टेप्स हम बना लें कि अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे जेई बनना है, क्या बनना है? जेई। तो जेई बनने के लिए आपने सबसे पहला काम कि हम यहाँ तक कितने समय पे पहुँचेंगे, इस टाइम को आपने लिमिट कर दिया कि मैं मैक्सिमम तैयारी करूँगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसके बाद नहीं करूँगा। चलिए हम मिनिमम लेके चलते हैं 1 ईयर का केस। आप सभी, मैं मान के चलता हूँ कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सभी इस साल जेई बनने वाले हैं। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब सब कर रहे हैं तो जरूरी सी बात है कि जल्दी से जल्दी आप जेई बनने वाले हैं। चलिए तो 1 ईयर, फिलहाल जोक्स अपार्ट, इसमें 1 ईयर की हम बात कर रहे हैं। 1 ईयर के गोल के लिए सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि अगर हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं या कोचिंग पढ़ाई करते हैं, कितना समय हमें कोचिंग में देना है। एक शेड्यूल मैनेजमेंट, पर डे के हिसाब से हमारा शेड्यूल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए,
इसको अचीव करते हुए मेरा कोर्स कंप्लीशन टाइम एक साल के हमने टोटल समय दे रखा है, मान लीजिए वैकेंसी आती है किसी भी चीज़ की, एसएससी जेई मान लेते हैं, इसका एग्जाम जनवरी में और जून के आसपास होता है, दो टाइम में। जनवरी वाली वैकेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी जो फॉर्म्स भरे जाते हैं, अगर हम जनवरी वाले गोल्स की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो फॉर्म्स भरे जाते हैं ज़्यादातर वो आपके फॉर्म्स जून जुलाई या अगस्त के आसपास से भर दिए जाते हैं। तो सीधे सीधे आपके पास छः महीने से कम का समय नहीं होता। हम मान लेते हैं कि हम 6 महीने से स्टार्ट करते हैं, तो हमने पहला समय दे दिया अपने टारगेट अचीव करने का। सबसे पहला, इसके पहले जो हमने पढ़ाया था, मोटिवेशन बताया था, वो पर डे मैनेजमेंट को हमने बताया था। अगर आपने ये शेड्यूल फॉलो करना चालू कर दिया तो आप इस स्टेप पे आके खड़े हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने बनाया कि पर डे मैनेजमेंट के बाद, मतलब हमारा डेली रूटीन अगर कवर हो रहा है तो इसके बाद हमें अपने कोर्स कंप्लीशन की तरफ कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं, एनसीन क्वेश्चन पेपर। हमने कह दिया कि हम 10 पेपर हमने सॉल्व कर चुके हैं और टोटल हमारे पास 11 पेपर थे, तो एक पेपर हमने ऐसा छोड़ दिया जिसको कि हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। एक पेपर हमने बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया जिसको हमने आज तक एक भी क्वेश्चन उसका नहीं देखा है। अब वो पेपर क्या काम करेगा, जब आप इतनी चीज़ें की तैयारी करने के बाद उसको पढ़ाई करेंगे और उस पेपर को बिना देखे जब देंगे कि हम इतने पेपर में, इस पेपर में कितना अचीव कर पा रहे हैं या कैसे डिसाइड कर रहे हैं, तब आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे। ये क्या काम कहता है सक्सेसिव गोल के लिए कि हमें जेई बनना है, तो जेई बनने के लिए हम पर डे मैनेजमेंट के बाद, इस पर डे मैनेजमेंट के बाद उस अनसीन प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट ले लिया, या प्रैक्टिस करने के लिए पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स ले लिए, ऐसी चीजों के थ्रू हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो इसी के थ्रू आप जानिएगा आगे हम जेई बनने के लिए। अब प्रैक्टिस करने के बाद, इसमें से भी जरूरी नहीं कि आप सारा पेपर सॉल्व कर पाएं या पूरी तरह से इसको सॉल्व कर पाएं, 50% भी अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप में कुछ कैपेबिलिटी, कुछ इंप्रूवमेंट आई है। मैंने कह दिया आप पूरे इस स्टेप पे नहीं पहुंचे, लेकिन इस स्टेप की ओर चढ़ने के लिए आप तैयार तो हो गए। अब आपको करना क्या है, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, इतने अनसीन क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने के बाद, उन क्वेश्चंस पेपर का एक पैटर्न डिसाइड करना है। मान लीजिए कि अगर पेपर बदल जाए या मैक्सिमम लेवल या हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर बनने लगे, तो उन पेपर सेट्स में से जितना सेट आपने निकाला था, इतनी एनालिसिस करने के बाद, इतने काम हो जाने के बाद, आपको क्या करना है कि उन पेपर सेट्स पे वर्क करना है। वो कैसे होगा कि आप उन पेपर सेट्स के लिए, ये नोन पेपर सेट हैं, ये अननोन थे, ये अननोन प्रैक्टिस सेट थे जिसको आप देखे भी नहीं और अचानक से हमारे सामने आ गया, हमने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से इसको सॉल्व करना चालू किया। अब ये नोन पेपर सेट है, हम भले ही इसको जान रहे हों लेकिन हमें कोशिश करनी है कि अगर 2 घंटे का पेपर होता है तो ये पेपर 1 घंटे से ज़्यादा नहीं सॉल्व होना चाहिए। मतलब अपने टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमें अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है, साथ में एक्यूरेसी। अब जब आप ये जान रहे हैं पेपर पहले से जाना हुआ पेपर है, तो एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ेगी। एक्यूरेसी बढ़ गई, आपकी स्पीड बढ़ गई, थर्ड स्टेज तक पहुंचते आपकी एक्यूरेसी बढ़ चुकी है, स्पीड बढ़ चुकी है, धीरे धीरे आपने टाइम का मैनेजमेंट सीख लिया है। इतना सब करते करते आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया है, तो जब आप इतनी चीजों पे कमांड पाने लगे, तब हम कहां पहुंच गए, सीधे थर्ड स्टेज पे। किस स्टेज पे पहुंच गए, थर्ड स्टेज पे।
जब आप थर्ड स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो बचा क्या गोल के लिए? केवल एग्जाम देना है, हमें जेई बनना है। इतने से काम के लिए भी आपको खुद में अंदर से ये नहीं आता कि हम इसको अचीव करें। मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि सर पढ़ाई नहीं होती। सीधी सी बात है, जब आपको भूख ही नहीं है और थाली का खाना सामने रख दिया जाए, क्या कोई खाएगा? उसका कोई कदर नहीं करेगा, उसको थोड़ी देर साइड रख देगा, खाना ठंडा होता रहे उसको फर्क नहीं पड़ता रहेगा, वो उसी को वैसे ही छोड़ देगा। लेकिन अगर भूख होगी तो खाने का थाली अगर देर में भी आ रही है तो उसको मांग मांग के बुलाएगा और जितनी जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी वो खा लेगा। यही होता है डिफरेंस, और यही भूख आपकी क्या है? आपका गोल। आपने अभी तक गोल नहीं बनाया, इसलिए आप में अभी तक वो भूख नहीं है। और वही खाना जो ये टारगेट्स आप डिसाइड कर रहे हैं, वो ये खाना है, वो पढ़ाई है, जो आप पा नहीं रहे हैं, जो आप कर नहीं रहे हैं। सबसे पहली चीज हमेशा ये जान के चलिए कि अपना गोल डिसाइड करिए। अभी आपसे ही 10 लोगों से भी पूछ लिया जाए कि आप में से 10 लोग भी कुल गिन के बता दीजिए कि आपने ऐसे थे कौन से 5 गोल बना के रखे हुए हैं जो आप तुरंत बता सके हमको। मोस्टली लोग 10 से 15 मिनट लगा देंगे केवल अपने गोल सोचने में कि हमने क्या क्या गोल बना रखा है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपने लाइफ में कौन से 5 गोल डिसाइड किए हैं। आगे चलते हैं। इतनी चीजों के बाद सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपको गोल किस तरह से बनाने हैं। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कुछ हायरार्की बनाई जाती है, कुछ पिरामिड। इसमें क्या आता है? सबसे पहले आपकी प्राइमरी नीड। इसमें क्या आता है? प्राइमरी नीड अचीव करने के बाद आप कुछ जमा पूंजी रखते हैं, मतलब कि अपने पास कुछ सेविंग्स रखते हैं। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी नीड। सेकेंडरी नीड फुलफिल होने के बाद आप उसको एक्सेस करना चालू करते हैं या उसको खर्च करना चालू करते हैं। इसे कहते हैं एसेसरीज या टर्शरी। टर्शरी नीड या इसी को कहा जाता है एसेसरीज, ACCESSORY, एसेसरी। अब इसका डिफरेंस समझिएगा। बेसिक नीड, प्राइमरी नीड्स क्या होती हैं सबकी? रोटी, कपड़ा, मकान, ब्रेड, क्लोथ, शेल्टर। रोटी, कपड़ा और छत, मकान। सेकेंडरी नीड, जब हमारे पास कुछ मिलने लगा, रहने के लिए पूर्ति होने लगी, तब हम क्या करते हैं? बचाना चालू करते हैं, सेविंग। जब हमारे पास बचने लगा, अब हमारे पास इतना होने लगा कि अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीजों पे खर्च करें या अपनी जरूरतों को पूरी कर सकें, तब हम आते हैं एसेसरीज में, जिसमें आप क्या चाहते हैं? जहां बड़ा सा घर हो, बंगला, बंगलो। बहुत ज्यादा क्या चाहते हैं? अच्छी सी बड़ी कार हो। ये सब क्या चीजें हैं आपकी? एक लग्जूरियस लाइफ है, लग्जरी लाइफ। ये आपकी कैसी लाइफ है? लग्जरी लाइफ। जब तक आप अपने गोल को डिसाइड ही नहीं करेंगे, अपनी भूख का निर्धारण ही नहीं करेंगे कि हमें कितनी भूख लगी हुई है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग खाना खाएंगे ना। जब तक आपने अभी तक भूख ही नहीं डिसाइड करी कि मुझे भूख लगी भी है कि नहीं, यही आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो खाना कहां से खाएंगे? चलिए इसी को और इलेबोरेट करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम आगे आते हैं। बेसिक नीड के बाद अब इन चीजों को हम मान के चलते हैं, यही हमारे गोल हैं, हमारे लाइफ का गोल।
जिसमें सबसे पहले हम मान के चलते हैं बेसिक नीड, एक अच्छी नौकरी, जॉब, वेल सेटल्ड जॉब हो हमारी, एक अच्छी जॉब हो। जॉब के बाद हम क्या चाहते हैं, जब हमने काम चालू किया है तो अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, बैंक बैलेंस। एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, आपने बैंक बैलेंस बना लिया, अच्छी चीजें बना ली, तो हर परिवार, हर फैमिली चाहती है कि उसकी शादी हो। एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी फैमिली मिले उसको, हर कोई चाहता है। इस फैमिली बन जाने के बाद हर कोई अपनी लग्जरीज में आता है, जिसमें क्या चाहता है, कार हो, घर हो, ऐसी चीजें, होम या लग्जरी। इन सब के बाद वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, या एक्स्ट्रा जैसे एनजीओज हैं या कहीं पे भी देने लायक वो अपने अंदर कुछ कैपेबिलिटी ला सके, ह्यूमैनिटी, जिसे मैं कहता हूं ह्यूमैनिटी। सोशल वर्क भी तो करना जरूरी है, आप केवल अपने लिए कमा रहे हो तब तक तो ठीक, लेकिन जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके साथ ब्लेसिंग्स बढ़ती, इसे मैं कहता हूं ह्यूमैनिटी। तो ये अगर आपके गोल्स हैं तो सबसे पहले इन्हीं क्रम में आप अपने गोल्स को अचीव करिए। इतने सब के बाद इन गोल्स को आप मान लीजिए कि मैंने डिसाइड कर दिया कि यही आपके गोल हैं। अब इस गोल को पूरा करने के लिए हम किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अब वो कैसे बढ़ेंगे इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए सबसे पहले गोल जॉब की तरफ चल रहे हैं, जिसमें जॉब को पाने के लिए पहली भूख हमारी क्या हो गई, जॉब। तो इसके लिए मुझे खाना ढूंढना पड़ेगा। जब आपको भूख लग चुकी है तभी तो हम खाना ढूंढेंगे। अब जॉब के लिए दो वेज हैं। पहला प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर। आप सभी लोग सालों साल तैयारी कर रहे हैं किसके लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। जब आप गवर्नमेंट सेक्टर जाना चाह रहे हैं तो हम पब्लिक सेक्टर को अभी छोड़ देते हैं, सॉरी प्राइवेट सेक्टर को अभी छोड़ देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दे रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हमसे कॉन्टेक्ट में हैं, ज्यादातर आप लोग किस सेक्टर से रिलेट करते हैं, टेक्निकल। दो फील्ड आ जाती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों के साथ, बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया हमसे कि सर टेक्निकल पढ़ने लगते हैं तो नॉन टेक्निकल छूट जाता है, नॉन टेक्निकल पढ़ने लगते हैं टेक्निकल छूट जाता है, सर मुझे केवल नॉन टेक्निकल अच्छा लगता है लेकिन हमने पढ़ाई टेक्निकल की है, टेक्निकल मुझे पढ़ना है, मुझे केवल टेक्निकल अच्छा लगता है लेकिन नॉन टेक्निकल पढ़ना पड़ता है, टेक्निकल पढ़ने लगते हैं तो नॉन टेक्निकल छूट जाता है, नॉन टेक्निकल पढ़ते हैं तो टेक्निकल छूट जाता है, इसको कैसे मैनेज करें। अगर आपको यही सबसे बड़ी दिक्कत है तो सबसे पहला मैं तो इसी को कहूंगा कि आप इसको बांट दीजिए। बांटने का मतलब क्या है कि अगर दो दिन की पढ़ाई मैं कर रहा हूं तो आज मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को मैं क्या पढ़ूंगा, टेक्निकल। दूसरा ट्यूसडे सैटरडे को मैं क्या पढ़ूंगा, नॉन टेक्निकल, तीन दिन पढ़ लूंगा। लास्ट डे संडे बच गया तो क्या संडे को छुट्टी, बिल्कुल नहीं, संडे को छुट्टी नहीं करनी है,
संडे के दिन आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का कंबाइंड पढ़ेंगे, जिसमें कि आप केवल और केवल एक हफ्ते में क्या पढ़े हैं इसका रिवीजन करेंगे। एक हफ्ते का टोटल सब्जेक्ट रिवीजन करने में भी पूरा दिन निकल जाएगा संडे का। करके देखिएगा, बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा लगेगा। ये तो रही बात टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की। यहां से समझिएगा सबसे बड़ी चीज, एग्जाम की तैयारी करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। जो पिछली मोटिवेशनल टाइप वीडियो बनाई गई थी उसमें एग्जाम की तैयारी करने का तरीका मैंने कुछ बता दिया था। आज के लिए मैं इतना ही बताना चाह रहा हूं कि आप एग्जाम के लिए तैयारी कैसे स्टार्ट करें, या एग्जाम के समय पे आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको क्यों नहीं मन लगता। सबसे बड़ा चीज हमने पॉइंट देखा कि अभी तक आपने कोई भी गोल डिसाइड नहीं किया है। मैं नहीं कहता कि आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप सोच रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारा डिपार्टमेंट बटा हुआ है। आप सारे एग्जाम को टारगेट करके चलते हैं और एक भी एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारा एग्जाम ना दीजिए, आप सारे एग्जाम दीजिए, लेकिन फोकस किसी एक एग्जाम के ऊपर रखिए। फोकस किसी एक एग्जाम के ऊपर रखिए। जैसे कि मैंने मान लिया कि आपने कह दिया हमें यूपीपीसीएल के अंदर जॉब चाहिए है। यूपीपीसीएल में जॉब लेने के लिए जरूरी है, इसमें जो वैकेंसीज आती हैं जेई और एई लेवल पे आती हैं। तो अगर हम जेई की बात कर रहे हैं तो जेई का एग्जाम कब होता है, हर साल इसकी वैकेंसीज नोटिफिकेशन कब तक आती हैं, कितने समय में इसकी सीट भर जाती है, ये सब चीजों की जानकारी आपको नेट से उनके प्रीवियस डेट से मिल जाएगी। मतलब इसके पहले जितनी रिक्रूटमेंट आ सकी है उनके डेट देख करके समझ में आ जाएगा लगभग इसकी वैकेंसी कब तक आती है, इसकी वैकेंसी में कितनी सीट्स अप्रॉक्सीमेट निकलती हैं, ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मान लीजिए इसका वैकेंसी लगभग दिसंबर से जनवरी के आसपास आता है, मान लेते हैं हर साल, और इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो मान लेते हैं अगस्त से सितंबर के आसपास आता है। तो समय आपके पास ज्यादा नहीं है, 3 से 4 महीने के समय में आपको एग्जाम भी क्लियर करना है, इतनी सारी तैयारी भी करनी है। तो क्या इतनी जल्दी हो जाएगा? यही गलती होती है और यही से नहीं होता। हमने आज का पेपर निकला है तभी से हमने तैयारी चालू कर दी। इस साल का पेपर हो चुका है दिसंबर जनवरी में, हमने फरवरी से ही दोबारा नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब करेंगे क्या? हमने जैसे तरीका बताया है पिछली वीडियो में, सेम वैसे ही हमने अपना शेड्यूल मैनेजमेंट करके हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। पढ़ते पढ़ते हमने एनालिसिस किया कि हमारे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसा भी हो जाता है, कितने लोग ऐसे भी हैं जो तैयारी करते करते ये सोचने लगते हैं कि अब तो मैं सब पढ़ चुका हूं, अब क्या पढ़ूं, मुझे तो सब आता है। ये बहुत गलत है। ऐसा कोई नहीं है जिसे सब आता है, हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता है, भले ही वो बूढ़ा क्यों ना हो जाए। हर आदमी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख जरूर लेता है। तो इस चीज को आप जान लीजिए कि जब भी आप नया पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए आप पुराने को जो पढ़ रहे हैं वो तो केवल रिवीजन करेंगे। आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया है तो आप बुक को बदल दीजिए। जैसे यूथ पब्लिकेशन में कह रहा हूं कि मान लीजिए आप यूथ पब्लिकेशन पढ़ रहे थे, मैंने बदल के इसका हायर लेवल जेबी गुप्ता में आ गए, या और इसके बदल करके पहले हम आर के राजपूत में आ गए, इसको भी हमने खत्म कर लिया, इससे बड़ा लेवल जेबी गुप्ता में आ गए, इन तीनों को खत्म कर लिया। तो उसके बाद भी अगर आपको और भी ज्यादा पढ़ना है तो हम और ज्यादा पढ़ते पढ़ते और भी कई सारी बुक्स हैं, बीके मेहता सारी बुक्स हैं, सबको अगर आपने खत्म कर लिया है, सभी आपने को लगता है हमने पढ़ लिया है, तो उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस पेपर जो मिलेंगे आपको वो नेट से मिलेंगे।
नेट से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अलग अलग जितने भी एग्जाम से रिलेटेड टेक्निकल के या नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं उसको अनसीन तौर पे, जो अभी थर्ड स्टेज बताई थी स्टेप बाय स्टेप में थर्ड स्टेज तक पहुंचने के लिए अनसीन तौर पे, मतलब उसको बिना देखे हुए पेपर को हम अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से सॉल्व करने लगे। जो जिनको ऐसा लगता है हम पढ़ाई कर चुके हैं उनके लिए ये है, क्या करना है एग्जाम से, मतलब जो इंटरनेट है उससे पेपर वगैरह निकाल के उसको अनसीन तौर पे, मतलब कि हमने पेपर देखा भी नहीं है और समय चालू करके 3 घंटे का पेपर है उसी 3 घंटे के अंदर हमें इसे सॉल्व करना है। और अगर वो आपको पेपर पढ़ा हुआ मिल गया, जैसा लग रहा है कि आपको पढ़ा हुआ पेपर मिल गया, तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा समय आधा कर देना है। जैसे मान लीजिए 3 घंटे का पेपर था तो अब हम उसको मान लेते हैं 1.5 घंटे के अंदर ये पेपर मुझसे सॉल्व हो जाना चाहिए। जब तक ऐसा टारगेट बना के नहीं चलेंगे आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम आते हैं, इन सब के बाद हम देखेंगे पढ़ाई करते समय सबसे खास चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप बैठ रहे हो, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम 11 बजे से लेकर के हम बैठना स्टार्ट किए 11 बजे सुबह 11 AM, 11 बजे हम सुबह स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने मोबाइल को अपने आप से थोड़ा दूर रख देना है। ऐसी चीजें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या घर के आसपास ज्यादा बुलाने वाले लोग, मतलब घर के लोग भी बार बार बुला रहे हों तो उनको कैसे अवॉइड, मोबाइल तो मान लीजिए दूर कर दिए, उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हमने कह दिया कि घर पे बिना बताए किसी को हम अचानक से जब सामने से हट जाएंगे तो आदमी की नज़र में ही नहीं रहेंगे, मतलब जब हम उनके सामने ही नहीं हैं तो वो हमको याद कैसे करेगा, वो बुलाएगा कैसे। 11 बजे हम बैठना स्टार्ट किए मान लीजिए, तो हमें सबसे पहला काम अपना मोबाइल फोन वगैरह हटा देना है। लेकिन हटाने का मतलब ये नहीं है कि इतना दूर हटा दिए कि अब हम अगर उसमें अलार्म लगा रहे हैं तो सुनाई भी ना दे। इसके बाद आपको अलार्म सेट करने हैं समय समय पे, जैसे 1.5 घंटे का एक सेट हमने बना दिया, 1.5 घंटे बाद एक अलार्म बजे, अगला अलार्म 3 घंटे बाद बजे, फिर अगला अलार्म हमारा 4.5 घंटे बाद बने, इस तरह से 1.5 घंटे का स्लॉट। छोटे छोटे स्लॉट का मतलब क्या है, एक तो ये अलार्म आपको रिमाइंड कराएगा, हर बार आपको स्ट्राइक करेगा कि आपने इस टारगेट में, मतलब इतने इंटरवल में अभी तक में क्या किया, ये आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा अलार्म आपको, मतलब इस अलार्म में मान लीजिए आपने इतने समय तक अगर पढ़ाई नहीं करी थी तो दूसरे अलार्म में डेफिनेटली आप दोबारा बैठोगे। अगर आप इसमें भी नहीं बैठ पाए तो तीसरे अलार्म तक तो पक्का आप बैठ ही जाओगे। ये रिले अलार्म ये आपको केवल और केवल स्ट्राइकिंग है कि आप उतने समय के लिए वापस कॉन्सेंट्रेशन में आओ, ये आपको रिमाइंड करा रहा है। दूसरा इस अलार्म का काम ये भी रहेगा, साथ ही साथ जो हमने रिवीजन, इजी पार्ट, हार्ड पार्ट इस तरह से बताया था पिछली वीडियो में, उस पोर्शन को भी ये बांटेगा। जैसे आपने ये सेक्शन छोड़ दिया, ये हिस्सा छोड़ दिया तो आपका एक पोर्शन मिस हो गया, ये नहीं करना है आपको, तो ये अलार्म आपको ये भी रिमाइंड कराएगा। शेड्यूल फॉलो करने में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा आपके गोल को आपको बार बार रिमाइंड कराएं। हो सके तो एक पेपर में या एक चार्ट में अपने गोल बना करके कि हमने क्या क्या टारगेट अपनी लाइफ में बना रखे हैं, इस गोल को बनाते हुए उस चार्ट को जिस जगह हम पढ़ रहे हैं या जिस किताब को हम डेली पढ़ रहे हैं हर जगह पे, हर उस जगह पे हम इसको डाल दें। कैसे डालेंगे इसको भी समझिएगा, जैसे मैंने एक पेपर में बना लिया, एक पेपर में बनाने के बाद मैंने आज बुक स्टार्ट करी, 100 नंबर पेज तक मैं पहुंचा हूं, 100 के बाद नेक्स्ट कब स्टार्ट करूंगा 101 से, तो उसी जगह पे मैंने इस पेपर को रख दिया, अगले दिन जब मैं बुक उठाऊंगा तो दोबारा ये मुझे दिखेगा।
अब मुझे ये उस समय हटा नहीं देना है, आपको ठीक 2-3 पेज पीछे ले जाके छोड़ देना है। 101, 102, 103 पे मान लीजिए इसको दोबारा ले जाके रख दिए, 102, 103 तक हम पहुंचे, तुरंत ये दोबारा हमको सामने दिखेगा, दोबारा हमको रिमाइंड कराएगा कि अभी मेरा गोल नहीं मिला हमको, हमें दोबारा इसके साइड आना है। जो चीज बार बार पिंच करती है वही आपको इरिटेट करती है, वही आपको बार बार उसके साइड फोकस भी करती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो और भी बच्चों के साथ इसे शेयर करें। ये समस्याएं बहुत से स्टूडेंट्स की हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करें। खत्म करते करते एक मोटिवेशन और देना चाहूंगा, एक बात और बताना चाहूंगा, लाइफ में आप कुछ भी अचीव करने के लिए जरूरी होता है कि आपको एक गुरु मिले। वो जरूरी नहीं कि वो टीचर आपको आपके कोचिंग संस्थान से ही मिले, ऐसा जरूरी नहीं। आप किसी भी इंसान को अपना गुरु बना सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं। लेकिन गुरु का महत्व ये रहेगा कि जब तक वो आपको मोटिवेशन देता रहेगा, आपकी कमियों आपके बारे में वो जानता रहेगा, तो वो हमेशा ही सही डायरेक्शन में आपको गाइड करता रहेगा। इसलिए किसी ना किसी एक टीचर के कांटेक्ट में हमेशा बने रहें। जो टीचर आपको अच्छे लगते हो आप उनसे कांटेक्ट में रहिए, लेकिन कांटेक्ट में रहने से आपको हमेशा ही गाइडेंस मिलेगी। अब वो गाइडेंस जब तक आप उससे शेयर नहीं करते, पर्सनल चीज़ें भी हो सके शेयर करिए, हो सके तो अपनी स्टडी रिलेटेड लाइफ कि हमें क्या परेशानियां आ रही हैं, कैसी दिक्कतें आ रही हैं, जब तक वो उन चीज़ों को नहीं जान रहा है तब तक वो उसके ऊपर आउटकम आपको नहीं बता सकता। सभी की प्रॉब्लम्स एक जैसी नहीं होती, ये तो कॉमन प्रॉब्लम थी इसलिए वीडियो बनाई जा सकी, लेकिन सभी की प्रॉब्लम्स एक जैसी नहीं होती। इसलिए जब तक आप टीचर के कांटेक्ट में हैं तो वो सही डायरेक्शन में गाइडेंस देता है, और आप उससे कांटेक्ट में रहने के बाद आसानी से अपने एफर्ट्स को समझ पाते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या चीजें सही है, हम इस पे कैसे और इम्प्रूव करें। ये चीज केवल आपको एक टीचर ही बता पाता है। एक मोटिवेशन और देना चाहूंगा, अगर आपको लाइफ में यह लगता हो कि आप ही की समस्या सबसे बड़ी है, आपको लाइफ में यह लगता हो कि आप ही की समस्या सबसे बड़ी है, तो इन्हें देखिए। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनकी समस्याएं सबसे बड़ी हैं। क्या आप इस स्टेज में हैं? नहीं। अगर आप इस स्टेज में नहीं हैं, तो डेफिनेटली आप इनसे बहुत अच्छे हैं, आपकी समस्याएं इससे कम हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी आपका मन कहे कि अब ये खत्म हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे पूर्व राष्ट्रपति लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, एंड नेवर। कभी मत समझिए कि आपके साथ कभी भी एंड हो चुका या खत्म हो चुका। इसका मतलब होता है, एंड का मतलब होता है एफर्ट नेवर डाइज। कभी भी आपके कर्म या आपके एफर्ट कभी भी नहीं मरते, हमेशा ही वो कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जरूर देते हैं, वो आगे कुछ ना कुछ बढ़ने का तरीका जरूर देते हैं, जिसके कारण आप हमेशा ही अपने स्टेप्स को, मतलब इस स्टेप पे थे तो वो बढ़ के आप हमेशा ही आगे बढ़ सको, वो हमेशा रास्ता दिखाते हैं। तो कभी मत समझिएगा कि वो एंड हो चुका। एफर्ट नेवर डाइज, आपके एफर्ट कभी नहीं मरते, ये हमेशा कुछ ना कुछ आपको जरूर देते हैं, बस उतनी लगन उतनी भूख आपके अंदर होनी चाहिए।
तो आज ही आप लोग सभी गोल बनाएंगे, अपना एक टारगेट बनाएंगे जिन्हें आपको जितने टाइम इंटरवल में अचीव करना है। और नेक्स्ट पढ़ते समय खास बातें, एक रिमाइंड हमेशा याद रखेंगे कि एक अलार्म लगा के पढ़ेंगे जो आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि ये स्लॉट आपका खत्म हो चुका और आपने अभी तक इसमें ये पढ़ा या ये नहीं पढ़ा, इसका आपने ऐसे उपयोग किया। तीसरा पॉइंट कि आप पढ़ते समय ये याद रखेंगे कि हमारा गोल हमें जब तक अचीव नहीं होता तब तक हमें किसी तरह से शांति नहीं मिलेगी। मीन्स नो बेस्ट नो रेस्ट, जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। जब तक हम अपने बेस्ट तक नहीं पहुंच सके, अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सके, तब तक हमें रेस्ट नहीं मिलना चाहिए। हम रेस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते। नो बेस्ट नो रेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।